अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी यूपीएस के हवाले से है। ये होमेज कंपनी की तरह का ही एक यूपीएस है जो कि हमारे फॉल्ट पे आया है और इसमें एरर 03 का इसमें दे रहा है डिस्प्ले। हम इसको देखते हैं ऑन करके, मैं आपको भी दिखाता हूँ इसमें क्या एरर है और फिर इसके बाद इसके डिसमेंटिंग करेंगे और इसको खोल के देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ये देखें आप, मैं इसको ऑन करता हूँ। ये एरर 3 पे आ जाता है और ये फॉल्ट इंडिकेशन भी दे रहा है, ये देखें 3 फॉल्ट दे रहा है और ये प्रोटेक्शन में चला गया। इसको हम देखते हैं खोल के इसमें क्या प्रॉब्लम है और फिर आपको भी इसके बारे में बताते हैं। हम दोबारा ऑन करके देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखें, ये देखें, इसने डिस्प्ले दिया प्रॉपर और उसके बाद ये फॉल्ट 3 दे दिया। ये प्रॉब्लम है इस यूपीएस की। अब इसको देखते हैं कि क्या मसला क्या है इसमें। जनाब, हमने इसको कर लिया है, इसके स्क्रू खोल लिए हैं और इसका हमने डिसमेंटल किया है। अब इसमें इनिशियल जो प्रॉब्लम है नज़र आ रही है, सर्किट है इसका, ठीक है, सर्किट बिल्कुल साफ़ सुथरा है और तकरीबन न्यू यूपीएस था ये, कुछ दिन चलाया इन्होंने और इसमें प्रॉब्लम आ गई। अभी जो इनिशियली नज़र आ रहा है ये देखें आप, इसके जो मॉसफेट हैं बस्ट हो गए, देखें ये ब्लैक हो गए। तो इनिशियली तो ये फॉल्ट नज़र आ रहा है, बाकी भी देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब इसको पीसीबी को हम निकालेंगे फिर इसको ब्रीफ चेक करेंगे इसके। जी जनाब, रिपेयरिंग का काम जारी है और हमने ये मॉसफेट डिसमेंटल कर दिए, देखें ये ब्लास्ट हो गए हैं सारे। तो ये हम डालेंगे और इस तरफ के मॉसफेट भी 740 वाले भी ये ख़राब हुए हैं, एक दो ये भी हमने निकाल लें। ये अपने इसमें डिसमेंटल कर दिया, इसकी भी हालत देखें आप, ब्लैक हुआ हुआ। तो ये भी हम साफ ऑफ करेंगे और रेजिस्टेंस वगैरह चेक करेंगे इसकी, इस पर काम कर रहे हैं। जी जनाब, तो ये यूपीएस जिसकी मैं बात कर रहा था अभी कि डिसमेंटल किया और कंपोनेंट्स कुछ मैंने आपको दिखाए थे, तो ये कंपोनेंट्स वगैरह सारे मॉसफेट जो है ना, जो इस साइड के थे और इस साइड के थे, दो इधर ख़राब थे बाकी इधर के ख़राब थे 6, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये सारे मॉसफेट हमने चेंज किए, ठीक है। एक इस तरफ से 740 लगे होते हैं, अगर आपने काम किया हो तो आपको पता अंदाज़ा होगा, ये 740 इस तरफ लगे होते हैं और इस तरफ ज़्यादातर 3205 लगते हैं, लेकिन इसमें 3205 ही लगे हुए थे, इसमें थोड़े से हल्के लगे हुए थे जिनका नंबर है 65NO7। तो ये 70 एम्पियर और 65 वोल्ट के थे, हमने इसकी जगह 3205 लगा दिए। 3205 का करंट थोड़ा ज़्यादा होता है, 110 एम्पियर का इसका करंट होता है और तकरीबन ये 55 से 65 वोल्ट इसकी जो है ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका कि हमने जहाँ पे लगाया है, ये देखें, इस साइड हमने 3 इधर 3205 लगाए, 3 इधर लगाएं और ये हमने बिल्कुल थिनर से साफ़ कर दिया है। तो ये बिल्कुल जो ब्लैकिश हो रहा था ये ख़त्म हो गया और ये बिल्कुल स्मूथ, हमने इसको चेक भी कर लिया है। मैं वीडियो बनाने की हद तक मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं। दो इसके यहाँ के 740 मॉसफेट ख़राब थे, दो ये चेंज की, बाकी दो ठीक थे, हमने वो वापस लगा दिए। ये इसकी चार्जिंग साइड है, ये भी ओके थी, बाकी सब चीज़ें इसकी ओके थी, बस ये कि हमने सिर्फ इसके मॉसफेट चेंज किए हैं। रेजिस्टेंस वगैरह SMD जो होती हैं बाइसिंग की, उसमें भी कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो ये हमने इसको चेंज कर दिया है, अब मैं इसको ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। हमने एक एनर्जी सेवर लगाया हुआ है इसके ऊपर ताकि ये अच्छी तरीके से, हम इसकी आउटपुट चेक कर लें। अब मैं इसको लगाने जा रहा हूँ, ये देखें आ रही गया इसका, ये देखें सेवर भी इसका ऑन हो गया और इसकी आउटपुट भी दिखा रहा है। बैटरी थोड़ी वीक है इस वजह से ये थोड़ी बीप दे रहा है, बाकी आउटपुट बिल्कुल ठीक दे रहा है ये, ठीक है। बैटरी की वजह से ये डाउन हो रहा है, बैटरी के वोल्टेज कम है, तो हम इसको थोड़ा चार्ज कर लेते हैं। बाकी ये कि हमारा यूपीएस बिल्कुल ओके हो गया है, हर लिहाज से हमने इसको चेक कर लिया, चार्जिंग साइड भी इसकी चेक कर ली और ये हमारा चीज़ अब ओके हो गई है, हम इसको डिलीवर कर देंगे। तो ये तकरीबन ये 700 वाट लिखा हुआ था, 700 वाट का यूपीएस है ये,
लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह से इसके मॉस्फेट लगे हुए थे तीन इस तरफ तो उसके हिसाब से पावर कम बनती है। लेकिन बहरहाल ये इसकी जो है ना डाटा शीट है, ये आप चेक कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है 220 वोल्ट और तकरीबन 700 वाट लिखा हुआ है। ब्रैकेट में देखें आप, ये लिखा हुआ ब्रैकेट में 700 वाट इसकी आउटपुट है। और ये इसकी बैक साइड है। बाकी ये सब चीज़ें ठीक थी, बस इसके मॉस्फेट्स के हमने चेंज किए और ये ठीक हो गया और डिस्प्ले भी ओके और बाकी सब चीज़ें इसकी वर्किंग कर रही है। मैं इसके एनर्जी सेवर हटा देता हूँ ताकि लोड थोड़ा सा कम हो जाए। ये बैटरी हमारी बिल्कुल ही पावर डाउन है इसकी। अब हम इसको ऑन कर देते हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें 230 वोल्ट एसी, 0 वाट लोड है। ये आवर्स दे रहा है, 189 आवर्स चला हुआ टोटल। ये बैकअप मोड दिखा रहा है, बैटरी इस वक्त फुल दिखा रहा है, लेकिन ये कि हमारे हिसाब से बैटरी इसकी लो है। ठीक है, ये हमारा ये बैटरी बैकअप है, इसकी एलईडी चल रही है, कोई फॉल्ट इंडिकेशन नहीं चल रही। पहले फॉल्ट 3 आ रहा था, तो फॉल्ट 3 जो है ना शॉर्ट सर्किट हो गया था हमारे लिए इनपुट साइड पर भी आउटपुट साइड पर भी, तो ये हमने ये ठीक कर दिया। हमारी वीडियो यहीं तक थी, मज़ीद भी हमारी टेक्नोलॉजिकल वीडियोज़ हमारी अपलोड होती रहती हैं। हम हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ऑल कर दें इसको, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।